जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट होगा, ठीक है, तो उस प्रोटेस्ट के बारे में दोस्तों तीन चीज के बारे में ध्यान रखना होगा। और ये तीन चीज दोस्तों आपको सोचना होगा, सभी स्टूडेंट को ये सोचना होगा क्या करना है, ठीक है ना दोस्तों। पहले बात तो दोस्तों हमारा संसद सत्र शुरू होने का पहले एक ट्विटर कैंपेन करना है, ठीक है ना। 29 तारीख से दोस्तों हमारा जो संसद सत्र है दोस्तों वो शुरू हो रही है, तो 29 तारीख से पहले दोस्तों एक ट्विटर कैंपेन शुरू करना है। मेरे को लगता है दोस्तों 29 तारीख सही डेट है, ठीक है। तो 29 तारीख को दोस्तों ट्विटर कैंपेन चलाना है सभी स्टूडेंट को, और बहुत अच्छा तरीका से दोस्तों सबको हिस्सा लेना है इस ट्विटर कैंपेन में, ठीक है ना। और जो SSC GD कैंडिडेट नहीं है दोस्तों, वो लोग भी ट्वीट कर सकते हैं दोस्तों, SSC GD 2018 का जो स्टूडेंट है उनको मदद के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट बात है दोस्तों जल्दी से हमारा जो संसद सत्र शुरू होगा, ठीक है, उसका खत्म करने का पहले दोस्तों पहले, ठीक है, हमारा जो प्रोटेस्ट का डेट है वो फिक्स करना होगा दोस्तों। जो संसद सत्र जब चलेगा दोस्तों उसका अंदर ही दोस्तों हमारा जो प्रोटेस्ट का डेट है दोस्तों वो फिक्स करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों 29 तारीख का बाद दोस्तों हमारा कोई भी डेट दोस्तों एक डेट फिक्स करना है। तो जल्दी से जल्दी ये डेट फिक्स करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत दूर दूर से दोस्तों तमिलनाडु से, केरला से, ठीक है, असम से, वेस्ट बंगाल से और त्रिपुरा से, बहुत दूर दूर स्टेट से दोस्तों दिल्ली में स्टूडेंट आएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ट्रेन का जो टिकट है वो कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी आप डेट फिक्स करिए दोस्तों, और स्टूडेंट को बता दीजिए जो अभी दिल्ली में है, ठीक है। और एक बात क्या है दोस्तों, देखो हमारा साथ भीम आर्मी पूरा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो उनको सपोर्ट भी लेना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा तरीके से दोस्तों हमारा जो SSC GD का स्टूडेंट है, ठीक है, उनको भी दोस्तों दिल्ली आना चाहिए। इस बार कम से कम दोस्तों 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट को इस बार दिल्ली में होना चाहिए। नेक्स्ट बात दोस्तों यही है दोस्तों यूनिटी, ठीक है ना दोस्तों। ये यूनिटी दोस्तों बहुत मजबूती से दोस्तों यूनिटी हमारा रखना है, यूनिटी तैयार करना है हर स्टेट में दोस्तों, हर स्टेट में, ठीक है। और वो जो पुराना नया ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दोस्तों, सभी पुराना है, सभी ये मान लो हम लोग SSC GD 2018 का कैंडिडेट है, कोई पुराना नया कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम SSC GD 2018 का कैंडिडेट है, हमारा सिर्फ वर्दी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। और कुछ ऐसा भी बंदा है जिनको नेता बनना है, ठीक है, तो वो छोड़ो, ठीक है। हर स्टेट से एक ही लीडर होगा, ठीक है ना, हर स्टेट से एक ही लीडर होगा, वही वो स्टेट का ख्याल रखेगा, स्टेट का स्टूडेंट का दोस्तों ख्याल रखेगा, स्टेट का स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा, यूनिटी तैयार करेगा वो स्टेट में, ठीक है ना। तो हर स्टेट से एक ही लीडर होगा। और दोस्तों क्या है दोस्तों और दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में दोस्तों गुने चुने जो फील्ड में दोस्तों इस बार ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जो 3-4 ग्रुप बना के, ठीक है, 3-4 आदमी को लेकर के जो बात कर सकते हैं उनको लेकर के दोस्तों हर ऑफिस में मेमोरेंडम देना होगा, बात करना होगा, ठीक है, पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी से, ठीक है, बात करना होगा दोस्तों। हमारा दोस्तों वर्दी चाहिए, इनके लिए कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों किसान लोग दोस्तों कितना दिन दोस्तों डेढ़ साल तक दोस्तों दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, उनके बाद दोस्तों सरकार का ऊपर दबाव बनाया, विपक्ष पक्ष दोस्तों BJP वालों ने दोस्तों सरकार का ऊपर दबाव बनाया, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो हमारा सिर्फ दोस्तों वर्दी से मतलब है दोस्तों, तो कोई भी मदद करने के लिए हमारा साथ आएगा तो दोस्तों उनको मदद लेना चाहिए, मेरे को यही लगता है। BJP का हो, कांग्रेस का हो, भीम आर्मी का हो, शिवसेना का हो, ठीक है। और एक बात क्या है दोस्तों, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है ना दोस्तों, सबको चाहिए फायदा, ठीक है ना, सबको चाहिए फायदा चाहिए। तो दोस्तों वो लोग फायदा के लिए दोस्तों उनका फायदा के लिए वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और एक विशेष करके बात यह है दोस्तों, पंजाब, उत्तराखंड और UP में दोस्तों चुनाव है, और भी स्टेट में चुनाव है, ठीक है ना, गुजरात में भी चुनाव है, ठीक है, और भी स्टेट में चुनाव है। तो क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना स्टेट में चुनाव है
उन स्टेट का लड़का को दोस्तों दिल्ली में होना चाहिए, ठीक है। मान लो इस बार बंगाल से 150 स्टूडेंट लेके जाऊंगा, 150 से 200 स्टूडेंट लेके जाऊंगा इस बार, ठीक है। और यूपी से इस बार कम से कम 300 स्टूडेंट होना चाहिए, 300 से 400 स्टूडेंट होना चाहिए यूपी से इस बार, ठीक है। यूपी में क्योंकि यूपी में चुनाव है, और मैं यूपी को जो स्टूडेंट होगा स्टूडेंट है, मैं उनसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप दिल्ली में आइए और आप दिल्ली का जो प्रोटेस्ट होगा उसका पहले आप दिल्ली यूपी में प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। हम लोगों भी किया था बंगाल में, लेकिन क्या बात है दोस्तों, बंगाल में टीएमसी सरकार है, ठीक है ना। वो बीजेपी सरकार था तो वो मान लेता, ठीक है। वो वोट के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो दोस्तों यही बात है दोस्तों, और क्या बोलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो यूनिटी है वो अच्छा तरीके से करना चाहिए, आप यूनिटी करिए, ठीक है। देखो दोस्तों इस बार मेरे को लगता है दोस्तों इस बार हम लोग जरूर कामयाबी होंगे, ठीक है ना। इसके लिए जितना भी स्टूडेंट, और दोस्तों एक बात क्या है दोस्तों, अभी भी बहुत स्टूडेंट तो आपका गांव में आपका जहां पर घर है, ठीक है ना, आप देख लो, अभी भी बहुत स्टूडेंट को पता भी नहीं है दोस्तों एसएससी जीडी 2018 का मुद्दा को लेकर दोस्तों प्रोटेस्ट चल रही है दिल्ली में, ठीक है। तो दोस्तों हमारा मैं आपका मेरा गांव का बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तक मेरा गांव में पता नहीं था दोस्तों, हमारा गांव में ऐसा लड़की लड़का हो जिनको पता भी नहीं है दोस्तों दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रही है दोस्तों, उनको जागरूक करो, उनको बोलो, उनको समझाओ, ठीक है, दिल्ली में आने के लिए। तो मेरा पास जो लड़की लोग है उनको पता नहीं था, मैं उनको समझाया और वो लोग बोल रहे हम लोग इस बार जाएंगे, ठीक है, इस बार हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों आप जो आपका घर का आसपास जो स्टूडेंट है उनको भी समझाओ, ठीक है, आपका आसपास जो गांव का जो लड़का है उनको भी समझाओ, उनको भी मोटिवेट करो, और आप बहुत अच्छा तरीके से दोस्तों यूनिटी तैयार करो दोस्तों। इस बार हमारा जो मांग है दोस्तों जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो दोस्तों और एक बात क्या है दोस्तों, जो ट्विटर कैंपेन का बात बोला था दोस्तों, तो आपसे राय चाहता हूँ दोस्तों, आप कमेंट करिए दोस्तों, और मैं भी आज बात करूँगा जो दिल्ली में है उनसे बात करूँगा, ठीक है ना। जो पहले लीडर था उनके साथ बात करूँगा, जो कौन सा डेट फिक्स किया जाए, ठीक है ना, वो डेट फिक्स होगा तो हम बता देंगे दोस्तों ट्विटर कैंपेन कब करना है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।